Hello everyone, I am Dr. Pratibha Dogra, Respiratory and Sleep Physician from Gurgaon. तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्थमा या दमा के विषय में. एस्थमा एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारी 130 करोड़ की आबादी में लगभग 6% बच्चे और 2% अडल्ट्स एस्थमा से पीड़ित हैं. एस्थमा यानी दमा के बारे में बहुत सारी वहम या मिथ्स हमारी सोसाइटी में प्रचलित है, जिसकी वजह से एस्थमा या दमा का नाम सुनते ही हमारे दिलों में डर आ जाता है. पर आज इसी डर को हम दूर करेंगे. तो एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि क्रॉनिक नेचर की है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारी जो जड़ से नहीं जाती पर जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम इसको समझाने के लिए कभी ये भी कहते हैं कि एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफ आर एयरवेज, जो हमारी सांस की नली है उसका जो रिएक्शन है कुछ चीज़ों के लिए बहुत डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है. अब इस रिएक्शन की वजह से हमारी सांस की नली में सोजिश आ जाती है और वो सिकुड़ जाती हैं. अब इस सिकुड़न और इस सोजिश की वजह से हमारे को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो जाती है और हमें ऐसा लगता है जैसे सांस चढ़ रहा हो. तो चलिए अब जानते हैं एस्थमा के लक्षणों के बारे में, हम कैसे पहचानें अगर किसी को एस्थमा है या नहीं. तो सबसे कॉमन जो इसका सिम्टम है वो है चेस्ट टाइटनेस. ऐसा लगता है जैसे कि आपकी चेस्ट में जकड़न हो गई है, बहुत जकड़ा जकड़ा सा एक इंसान फील करता है. उसके साथ ही आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करते हैं, कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है. जैसे पहले किसी को नहीं चढ़ता लेकिन कुछ वॉक करने के ऊपर या सीढ़ियाँ चढ़ने के ऊपर, कि एक आम इंसान के कंपैरिजन में उसको ज़्यादा सांस चढ़ता है. तीसरा चीज़ जो हम देखते हैं उसमें बहुत एक विस्लिंग साउंड आती है जिसको हम वीजिंग कहते हैं. सो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो खुद ही पहचानते हैं कि हमारी चेस्ट में से एक अजीब सी विस्लिंग साउंड आती है. तो अगर विस्लिंग साउंड आती है तो दैट इज़ डेफिनेटली एस्थमेटिक प्रॉब्लम. और इसके साथ जो एसोसिएटेड होती है वो है खांसी. अब खांसी की बहुत सारी वजहें हैं लेकिन जो एस्थमा की खांसी है वो एक बड़ी ही एक प्रोलॉन्ग्ड बाउट ऑफ कफ होता है, क्योंकि आपकी जैसे एकदम जकड़न होती है, सांस की नाली सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से खांसी होती है. अब वो खांसी तभी जाती है अगर वो पेशेंट कुछ उसका ट्रीटमेंट लेता है. और ये खांसी तभी होती है जब अगर कोई भी पेशेंट का एक्सपोजर होता है टू द ट्रिगर. तो एस्थमा होने का क्या कारण है? तो सच बताएं तो हमें भी, हमारी साइंस को अभी तक बिल्कुल सही से नहीं पता कि क्या कारण है. बहुत सारे कारण इसके साथ एसोसिएटेड हैं पर एग्जैक्ट कॉज हमें भी नहीं मालूम. अब कौन से ऐसे कारण हैं जो कि जिनका कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप एस्थमा के साथ इस्टेब्लिश्ड है? ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, यानी कि अगर आप कुछ ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बहुत सारी केमिकल हैं, इरिटेंट्स हैं, फ्यूम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी एयरवे को इरिटेट करती हैं और दिस कैन कॉज एस्थमा. एनवायरनमेंट, जैसे कि बढ़ती हुई पोल्यूशन जो कि हम लोग कितने सालों से फेस कर रहे हैं, इट हैज़ ऑल्सो बिन एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ एस्थमा. फैमिली हिस्ट्री, एस्थमा फैमिलीज़ में चलता है, क्योंकि कई बार फैमिलीज़ में चलता है तो इसलिए इसको एक जेनेटिक एसोसिएशन भी इसकी मानी जाती है. कुछ रेसेस वर्ल्ड में जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन, इन रेसेस में एस्थमा की जो प्रेवलेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड. अगर जेंडर की बात करें तो जो मेल जेंडर है वो उसमें एस्थमा ज़्यादा है कम्पेयर टू द फीमेल्स. यहाँ पे मैं आपके साथ ट्रिगर के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि एस्थमा में ट्रिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रिगर, और हर मरीज़ के लिए जो ट्रिगर है वो अलग होता है. ट्रिगर मतलब कि एक्सपोजर टू एनी कंपोनेंट दैट विल यू नो कॉज और आपका एस्थमा जिसको प्रेसिपिटेट करता है. अब कई लोग हैं जिनके लिए ट्रिगर होगा पोलन ग्रेन्स, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे या फिर जैसे मौसम बदल रहा है और पोलन्स इन्वायरमेंट में है तो बाहर निकलते एक्सपोजर होते ही उनको जैसे स्नीजिंग शुरू हो जाएगी, खांसी शुरू हो जाएगी, सांस चढ़ना हो जाएगा. तो हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि यू शुड नो कि आपका ट्रिगर क्या है, क्योंकि हर पेशेंट का ट्रिगर अलग होगा. जैसे बोला, एक तो पोलन ग्रेन्स एक बहुत कॉमन ट्रिगर है, दूसरा एक्सपोजर टू सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे लोग कहते हैं हम एसी के कमरे में गए, एसी चल रहा था तो हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उन पेशेंट्स के लिए चेंज ऑफ टेम्परेचर ट्रिगर हो गया.
इसी प्रकार से किसी को कुछ पर्टिकुलर जैसे पोल्यूटेंट्स हैं वो उनके लिए ट्रिगर हो जाएंगे, किसी को कुछ खाने से प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि एग्स हैं या फिर कुछ कोई भी ऐसा पदार्थ जैसे किसी को चावल। तो एक जो पेशेंट है वो अपना इज़ द बेस्ट जज टू नो कि उनके लिए क्या ट्रिगर है। अब आप बोलेंगे कि ट्रिगर को जानना इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि एस्थमा के कंट्रोल में जो अवॉइडेंस है वही बेस्ट पॉलिसी है। क्योंकि ये ट्रिगर अगर नहीं होगा तो हमारी जो एयरवेज है वो रिएक्ट नहीं करेंगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर बिकम्स वन ऑफ द इट्स ऑलमोस्ट प्रिवेंटिव फॉर एस्थमा। किसी को जैसे हाउस डस्टिंग करती हैं फीमेल्स घर में और उनको लगता है अभी जब भी हम डस्टिंग करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अवॉइड क्या करेंगी, उनको डस्टिंग करना अवॉइड करना चाहिए। सो अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट एस्थमा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आप में डेवलप हो रहे हैं या आपके आसपास आपके घर में आपके फ्रेंड्स में, तो प्लीज़ इस सिचुएशन में एक बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। घबराने की कोई बात नहीं है, इसका डायग्नोज करना कोई मुश्किल नहीं है। सो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री से, फिज़िकल एग्जामिनेशन से और कुछ ब्लड टेस्ट से, और इसके जो बिल्कुल ही डायग्नोस्टिक टेस्ट है, द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। एक बहुत सिंपल टेस्ट है जिसमें एक पेशेंट एक मशीन में ज़ोर से ब्लो करता है और उससे हमें समझ आ जाती है कि एयरवेज में प्रॉब्लम है, अगर है तो कितनी डिग्री की प्रॉब्लम है। सो इसमें इट एस्टैब्लिशेस द डायग्नोसिस वेरी क्लियरली। तो अगर हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर लेते हैं तो वी आर एबल टू नो कि हमें एस्थमा है या नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट है जो हमें बताते हैं कि एलर्जी लेवल्स कितने हैं, जैसे कि आपकी ब्लड में इओसिनोफिल्स की मात्रा कितनी है, सीरम आईजीई की मात्रा कितनी है, उससे हमें एलर्जिक एस्थमा डायग्नोस हम कर पाते हैं। अब ये है जो बेसिक चीज़ें जो हमें एस्थमा के लिए चाहिए, लेकिन कई बारी काफ़ी बार तो एस्थमा को ट्रीट करना बहुत आसान है और बहुत माइल्ड रहता है, लेकिन कई मरीज़ों में, कई पेशेंट्स में परसिस्टेंट एस्थमा हो जाता है या सिवियर एस्थमा होता है, उसके लिए हमें और जो एडवांस्ड टेस्ट हैं वो भी आजकल अवेलेबल हैं। तो अगर एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है और उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है पेशेंट की, तो फर्दर ट्रीटमेंट के साथ हम एस्थमा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई लिमिटेशन नहीं आती है। तो एस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है? एस्थमा के ट्रीटमेंट को लेकर अक्सर लोगों के मन में बहुत डर रहता है, बहुत संदेह रहता है, बहुत सवाल, बहुत कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि इसके इलाज है इन्हेलर, और इन्हेलर का नाम सुनते ही लोगों को लगता है इसकी आदत तो नहीं हो जाएगी, क्या ये सही है, क्या गलत है। और ये जो हमारे इसका जो हम श्रेय है काफ़ी अपनी हिंदी फिल्मों को दे सकते हैं, जिसमें एस्थमा में मरते हुए हीरो, मरती हुई माँ का इन्हेलर यूज़ करते हुए दिखाना, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में इसके लिए बहुत डर बैठ गया है। पर विश्वास कीजिए दोस्तों कि इन्हेलर है सही, एस्थमा का इलाज इन्हेलर ही है, दैट इज़ द राइट मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इन्हेलर्स। कुछ बात करना चाहूँगी आपको इन्हेलर्स के बारे में। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, उसके लिए हमें मेडिसिन तो खानी है। अब किसी को डायबिटीज़ है तो वो भी रोज़ गोली खाता है, हाइपरटेंशन है तो भी गोली खाता है, तो अक्सर लोगों को गोली दे दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इन्हेलर का नाम सुनते ही परेशानी। पर इन्हेलर क्या है? इन्हेलर एक आपको जो आपकी मेडिसिन है उसको बॉडी में अंदर पहुंचाने का एक तरीका है। जब हम गोली खाते हैं हमारे पेट में जाती है, वहाँ पे अब्जॉर्ब होती है, ब्लड में जाती है, पूरी ऑर्गन्स में जाती है और फिर जाके जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे काम करती है। लेकिन अगर हमारी प्रॉब्लम्स ही एयरवेज में है, और फॉर्चुनेटली कहेंगे कि जो हमारे एयरवेज हैं दे आर ओपन टू द एनवायरनमेंट, और इन्हेलर में हम जो दवाई है वो सीधी अपने मुंह के रास्ते अपने फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। अब ये दवाई हमारी बॉडी में किसी और जगह पे नहीं जा रही, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पहुँच जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इन्हेलर्स में जो दवाई है उसकी बहुत कम मात्रा होती है, माइक्रोग्राम्स में, क्योंकि उतनी दवाई चाहिए ही नहीं कि सारे शरीर में जाए, हमें सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचानी है। तो इतनी कम दवाई अगर हमारी बॉडी में जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी उतने ही कम होते हैं। तो दो बातें आप यहाँ से मन में पूरा पक्का बना के जाएंगे कि इन्हेलर्स है सही, इन्हेलर्स इज़ द राइट चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, इसकी कुछ आदत नहीं हो जाती। ये कोई आदत तो वो चीज़ होती है जो आपका नुकसान करे,
पर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका फ़ायदा हो तो वो आदत क्या। तो इनहेलर्स को यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और दूसरा, जब डॉक्टर आपको स्टेरॉइड देता है तो उतना ही देता है जिसमें उसका आपका बेनिफिट है। अगर हम अस्थमा को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते फिर इसके बहुत नुकसान है, फिर ये प्रोग्रेसिव हो जाता है, ये परमानेंट हो जाता है, फिर ये रिवर्सिबल नहीं रहता। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट करते रहते हैं तो ये बहुत ही कंट्रोल में रहता है और कोई लिमिटेशन नहीं करता। आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो आप वैसी जी सकते हो। तो ट्रीटमेंट के बारे में दो बातें मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जो अस्थमा का ट्रीटमेंट है उसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक तो रिलीवर्स और एक हम कहते हैं कंट्रोलर्स। अब रिलीवर्स वो मेडिकेशंस हैं, वो सॉल्ट्स हैं जो कि आपको इमीडिएट रिलीफ दे देते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को एकदम अचानक सांस भर आता है या सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो अगर अपना रिलीवर इनहेलर यूज़ करता है तो उसको इमीडिएट इफेक्ट फील होता है और वो बिल्कुल उससे ठीक हो जाता है। और उसके साथ ही लेकिन उसको बैकग्राउंड में एक कंट्रोलर मेडिकेशन लेनी पड़ती है जो कि एक्चुअली में जो आपकी एयरवेज में सोजिश है उस पर काम करती है, उसको ठीक करती है। अब जो कंट्रोलर इनहेलर होता है, कंट्रोलर मेडिकेशन होती है, वो रेगुलर लेनी पड़ती है। अगर आपको आप ठीक भी फील कर रहे हैं तब भी उसको रेगुलर लेना चाहिए। उसको यूजली ट्वाइस अ डे डोजेज होती हैं, सुबह शाम चलता है। तो जो कंट्रोलर मेडिकेशन है उसमें अगेन स्टेरॉयड की मात्रा रहती है, ब्रोंकोडायलेटर रहता है। ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो आपकी सांस की नाली को खुला रखता है। और फिर उसके ओवर एंड अबव एक आपको रिलीवर मेडिकेशन हमेशा दी जाती है जो कि हमेशा आप अपने साथ रखते हैं ताकि बाय चांस कभी कोई ऐसा आप एक्सपोजर टू ट्रिगर हो जाए और सडनली आप ब्रेथलेस हो जाएं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, तो आप वो अपना कंट्रोलर मेडिकेशन जो कि अगेन इनहेलर के फॉर्म में होता है वो आप यूज़ कर सकें। एस्थमा पेशेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनका एस्थमा कंट्रोल में रहे, वो बार बार एग्जैजरबेशन में ना जाए, क्योंकि जब भी एस्थमा एग्जैजरबेट होता है तो पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ कंटिन्यू एंड टेक रेगुलर मेडिकेशन। अपनी जो मेडिकेशंस हैं वो रेगुलरली दीजिए जितना हो सके। आपको अगर पता है कि किसी वजह से आपका एस्थमा ट्रिगर होता है तो अवॉइड दोज ट्रिगर्स, अवॉइड एनीथिंग दैट यू नो दैट लीड्स टू यू नो एग्जैजरबेशन ऑफ योर एस्थमा। कई लोगों ने अपने पेट्स रखे होते हैं, पेट्स भी हैं उससे भी बहुत एलर्जन रहता है, तो वो पेट्स रखते हैं उसके साथ साथ उनका एस्थमा बढ़ता जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इरिटेंट है, एक स्टिमुलेंट है जो कि एस्थमा को ट्रिगर करता है। अगर किसी को एस्थमा डायग्नोज हो जाता है तो और वो स्मोकिंग भी करता है तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, उसके लिए कोई चॉइस नहीं है, उसको स्मोकिंग छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप स्मोकिंग करते रहोगे एस्थमा ट्रीट हो ही नहीं सकता। सो क्विट स्मोकिंग, नो एक्सपोजर टू स्मोक शुड बी देयर। एंड चौथी चीज़ है एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज करते रहिए, ये नहीं कि हमें एस्थमा है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, वो कोई रीज़न काम नहीं करता इसमें। उल्टा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वेट पुट ऑन कर लेते हैं, उनमें एस्थमा वर्सन हो जाता है। जितना आप एक्टिव रहेंगे, अपना वेट मेंटेन करके रखेंगे, उतना ही आपका एस्थमा कंट्रोल्ड रहेगा। तो एस्थमेटिक पेशेंट्स अपनी डाइट में किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? देखो, सबसे पहले जो कि हर जगह और हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है वो है ईटिंग हेल्दी। तो हेल्दी खाने में वही है, ज़्यादा आप बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड, फ्राइड चीज़ें सब नहीं खाएंगे। जो हमारा नॉर्मल इंडियन फूड है और होम कुक्ड फूड है उसको खाएंगे। और अवॉइड क्या करेंगे? एनी फूड्स विद द प्रिजर्वेटिव्स, क्योंकि ये भी स्टडीज हैज शोन अस कि फूड्स कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव, जैसे कि जो भी कैंड फूड आता है। तो देखो, एक सिंपल सा अगर आपको फॉर्मूला रखना है अपने खाने के लिए तो वो है फ्रेशली कुक्ड फूड, होममेड फूड खाएंगे एंड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ कैंड फूड। जो भी खाना किसी भी चीज़ में आता है, पैकिंग में आता है, डब्बे में आता है, किसी रैपिंग्स में आता है, दैट इज समथिंग हैज़ टू बी अवॉइडेड। अब ईटिंग हेल्दी टू मेंटेन अ हेल्दी वेट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगेन जो स्टडीज हैव शोन अस दैट एस्थमा इज फाउंड मोर इन पेशेंट्स हु आर ओबीज। तो ओबेसिटी हैज़ बीन लिंक्ड
एज अ रिस्क फैक्टर फॉर एस्थमा। तो हेल्दी खाइए, अपना हेल्थ जो बिल्कुल आपका जो वेट है उसको मेंटेन करके रखिए, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉन्ग वे इन कंट्रोलिंग योर एस्थमा। अब हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो ज़रूर आएंगे उसमें, तो मेक योर प्लेटर एज कलरफुल एज पॉसिबल। जितने आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा सकते हैं खाइए, बिकॉज दे आर द सोर्सेज ऑफ सो मैनी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर बॉडी टू परफॉर्म एडिक्वेटली। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट। इसके साथ ही कुछ स्टडीज ने बताया है कि वाइटामिन डी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वाइटामिन डी डेफिशिएंट है तो भी कई बारी एस्थमा की सिवेरिटी ज़्यादा हो जाती है। सो अगेन टू कीप एस्थमा इन कंट्रोल, आपका जो वाइटामिन डी लेवल्स हैं वो भी एडिक्वेट होने चाहिए। उसके लिए यूजली वाइटामिन डी का सेवन ही करना पड़ता है, क्योंकि इवन जो लोग धूप में भी रहते हैं उनमें भी वाइटामिन डी की मात्रा प्रॉपर या एडिक्वेट नहीं होती। इसके साथ ही मैग्नीशियम का रोल भी पाया गया है टू क्योंकि मैग्नीशियम स्टडीज़ में देखा गया है कि इट लीड्स टू ब्रोंकोडाइलेशन, आपकी एयरवेज को खोलने में मदद करता है। सो मैग्नीशियम बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, बट अगेन जब तक हम एक बैलेंस्ड फ्रेशली कुक्ड मील्स खाते रहते हैं दैट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ टू कीप आर एयरवेज हेल्दी। अगर आपके बच्चे में कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एस्थमा जैसे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात है टू एस्टैब्लिश द डायग्नोसिस, डॉक्टर के पास जाना और उसका डायग्नोसिस कंफर्म करना। और अगर एस्थमा का डायग्नोस कंफर्म हो जाता है तो एक्सेप्टेंस रखना, डिनायल में नहीं जाना, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस होगा तो हम ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लेंगे, उसको रेगुलर मेंटेन रखेंगे। तो अगर बच्चे को एस्थमा है उसमें इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए आजकल अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आस्क योर डॉक्टर कि आपको एस्थमा एक्शन प्लान दे, देर हैज़ टू बी अ प्लान, एक प्लान, बिकॉज जैसे हमें पता है कि एस्थमा लंबे समय तक रहता है, इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़। तो एज अ पेरेंट्स यू शुड हैव एन एस्थमा एक्शन प्लान। उस एक्शन प्लान में हमें ये पता चलता है कि अगर जैसे सिम्टम्स बढ़ गए तो हमें मेडिसिन बढ़ानी है, कम हो गए तो कम करनी है, तो उस तरह से वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड। आपकी जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यूड रखें। एज अ पेरेंट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई करें कि कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे बच्चे का एस्थमा वर्सन होता है, उन चीज़ों को अवॉइड करें। बहुत बच्चों में जैसे ठंडी चीज़ें खाते हैं, आइसक्रीम्स ले ली, ठंडा पानी, बर्फ़, इन सब चीज़ों को देखिए, अगर इससे वर्सन होता है तो उन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। एक जो और चीज़ हमारे को इसमें एस्थमा में जो फ़ायदा रहता है, जैसे कि अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को हम प्रिवेंट करें, तो क्योंकि बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस है, अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता है तो एस्थमा वर्सन हो जाता है। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल हमें वी शुड यू नो प्रिवेंट दैट हमारे बच्चे को रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो। उसके लिए जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रहता है जो हर साल आता है, वी शुड गेट आवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जो रेगुलर कॉमन कोल्ड्स, कफ एंड कोल्ड रहता है। अगेन एक्सपोजर टू द स्मोक एंड डस्ट, ये सब अवॉइड करेंगे। हेल्दी ईटिंग रखेंगे, बच्चे को प्रॉपर खाना देंगे, रेगुलर काइंड ऑफ यू नो टेक ऑफ इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी देयर। जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि वाइटामिन डी, मैग्नीशियम, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। So all these things will help us. Another very important thing is the use of various tools. जो various tools हमारे पास हैं, जैसे कि peak flow meter. So peak flow meter एक छोटी सी device है जिसमें you know the asthmatic patient blows in, जिससे हमारे को उसका the lung function, lung capacities का पता चलता है। अगर हम peak flow meters अपने पास रखते हैं और एक routine बना लेते हैं कि रोज़ उसका readings को note करने की, तो हमें पता चल जाता है कि things are okay और it is getting worsened. और जैसे ही अगर वर्सन होता है तो वी शुड स्टेप अप द ट्रीटमेंट और गो टू द डॉक्टर और कंसल्ट। सो द इंटायर इफ वी आर रियली इन सिंक, अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत हद तक जो है एस्थमा आपको तंग नहीं करता। जी बिल्कुल सेफ है। उल्टी बात है कि अगर हम स्टेरॉयड नहीं देते एस्थमा के मरीज में तो वो क्रिमिनल है, क्योंकि स्टेरॉयड ही एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो कि एस्थमा को बिल्कुल ठीक कर देता है।
बट बात यह है कि ये हथियार हम कब, कितना और कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से आप स्टेरॉयड लेते हो, जो कि यूजली इन्हेलर्स के फॉर्म में होता है, जिसमें मात्रा बहुत ही कम होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है, या फिर अगर कभी गोली भी देनी पड़ती है या इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, लेकिन जब तक ये स्टेरॉयड एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। इसकी बेनिफिट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द रिस्क, तो रिस्क बेनिफिट रेशो इसकी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम तब होती है जब बिना सुपरविजन के पेशेंट्स अपने ही लेवल पे बहुत लंबी देर तक स्टेरॉयड लेते हैं, तब प्रॉब्लम का विषय है, नहीं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो एस्थमा के दो ही मेजर तरह की सॉल्ट्स है जो हम यूज़ करते हैं, एक है स्टेरॉयड्स और एक है ब्रोंकोडायलेटर्स। तो पिछली जो हमारी स्टडीज़ हैं उसमें ये पाया गया था कि जब लोग रिलीवर मेडिकेशन, जिसमें सिर्फ केवल ब्रोंकोडायलेटर होता है, अगर वो बार बार यूज़ करते हैं तो कुछ इनफेक्टिवनेस आ जाती है, तो वो उनका जो अफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो हमारा मेंटेनेंस थेरेपी है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरॉयड एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर है। जब ये ब्रोंकोडायलेटर हम स्टेरॉयड के साथ यूज़ करते हैं तो इसकी अफेक्टिविटी बनी रहती है, लेकिन बस बात यही है कि जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अंडर सुपरविजन लें। अगर हम अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर लेते हैं, तो ये लंबे टाइम के लिए भी यूज़ करने के बाद भी इनफेक्टिव नहीं होता। देखिए, एस्थमा में ऐसे कोई स्पेसिफिक फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हर एस्थमा पेशेंट ठंडी चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन जैसे अगर आपने पहले भी हमने इसके बारे में बात की है कि हर एस्थमा पेशेंट का अपना एक ट्रिगर पॉइंट है, एक अपने ही ट्रिगर्स है जिसकी वजह से उसका एस्थमा प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर किसी एस्थमा पेशेंट में ठंडी चीज़ें खाने से एस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, कि उनकी सेंसिटिविटी टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। उनके लिए एकदम ठंडा आइसक्रीम खाना या फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी पीना, दैट कैन कॉज। तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको ठंडी चीज़ खाने से कुछ नहीं होता तो अवॉइड नहीं करेंगे, पर अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसको नहीं लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने एस्थमा के बारे में डिस्कशन की, इससे आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अब आप एस्थमा और दमा का नाम सुनकर ना ही घबराएंगे ना ही डरेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि इसका इलाज है। बस करना क्या है, सही टाइम पे सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट रेगुलरली लेते रहते हैं और बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये हमेशा कंट्रोल्ड रहेगा और किसी भी तरह से आपकी ज़िंदगी को लिमिट नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।